आज मैं आपको दिखाने वाला मुंबई का एक होता छोले कुलचे का स्टॉल, जो कि पूरे मुंबई में बहुत ज्यादा फेमस है, और इनके तड़के वाले छोले कुलचों को यहाँ पे सभी दीवाने हैं। तो चलिए इनके तड़के वाले छोले कुलचों की आपको पूरी मेकिंग दिखाता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारे छोले कुलचे रेडी किए जा रहे हैं तड़के वाले। तो तड़के में सबसे पहले डाला जा रहा है यहाँ पे जीरा, और बहुत सारा यहाँ पे प्याज डाला जा रहा है, जिससे कि छोलों का टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। तो देख सकते हो पूरा तवा भर के यहाँ पे प्याज डाल दिया गया, और ऑयल के साथ इसको अच्छे से मिक्स कर लिया जाएगा। तो ऊपर से थोड़ा सा डाल देंगे धनिया और मिर्ची। मिर्ची को देख सकते हो कितने बढ़िया स्टाइल में यहाँ पे कट करके इसमें डाला जा रहा है। तो अगर आपको स्पाइसी छोले कुलचे पसंद है तो आपको यहाँ के छोले कुलचे ज़रूर पसंद आएंगे। तो प्याज डाल दिया है, धनिया डाल दिया है, मिर्ची डाल दी है, सबको अच्छे से ऑयल में मिक्स कर लिया जाएगा। तो नेक्स्ट इसमें डाला जा रहा है टमाटर मसाला और नमक। तो सभी को अच्छे से अब मिक्स कर लिया जाएगा मसाले को, और ऊपर से डाल दिए बहुत सारा धनिया। तो नेक्स्ट अब यहाँ पे हमारे यहाँ पे मटर निकाले जाएंगे। तो पूरा पतीला भर के मटर निकाल लिए गए हैं और वो तवे के ऊपर डाले जा रहे हैं। तो देख सकते हो पूरा पतीला इन्होंने खाली कर दिया है, पूरा तवा भर दिया है। मटर डल गया इसमें, प्याज डल गया है, टमाटर डल गया है, सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लिया जाएगा। तो एकदम दिल्ली वाले स्टाइल में यहाँ पे मुंबई में छोले कुलचे लगाए जा रहे हैं। तो देख सकते हो हमारा मसाला यहाँ पे रेडी हो चुका है। ऊपर से डाल दिया गया इमली का पानी, और अब नेक्स्ट इसमें नींबू डाला जाएगा थोड़ी सी खटास देने के लिए। यहाँ पे नेक्स्ट नींबू डाला जा रहा है। तो नींबू का रस डालने के बाद मसालों के साथ इसको अच्छे से मिक्स कर लिया जाएगा। तो फाइनली देख सकते हो हमारे यहाँ पे छोले बहुत ही बढ़िया तरीके से रेडी हो रहे हैं, और ऊपर से यहाँ पे डाल दिया गया बटर। बटर डालने का थोड़ा सा धनिया और डाला जाएगा इसमें। तो सभी मसालों को बटर को अच्छे से मिक्स करके पतीले में निकाला जा रहा है। तो फाइनली हमारे देख सकते हो मुंबई के स्पेशल छोले यहाँ पे रेडी हो चुके हैं। पूरा का पूरा यहाँ पे तवा खाली किया जाएगा। तो दो से तीन पतीले देख सकते हैं हमारे यहाँ पे छोले बन चुके हैं। अब इसी तवे को साफ करके यहाँ पे कुलचे लगाए जाएंगे। तो तवा साफ हो चुका है, ऑयल डाल दिया गया है, अब कुलचों को अच्छे से सेक लिया जाएगा। तो तवा पूरा भर चुका है कुलचों के साथ, ऊपर से ऑयल थोड़ा सा डाल के कुलचों को अच्छे से यहाँ पे सेका जाएगा। तो कुलचों को सेकने का स्टाइल आप देख सकते हो कितने बढ़िया तरीके से यहाँ पे कुलचों को सेका जा रहा है। ऊपर से डाल दिए गए धनिया। तो फाइनली देख सकते हो हमारे छोले रेडी हो चुके हैं, कुलचे रेडी हो चुके हैं, अब लगाई जाएगी यहाँ पे प्लेट। तो एक बैच में हमारे कुलचे रेडी हो चुके हैं। तो साइड में देख सकते हो कितने प्लेट लगा दी गई है। तो फाइनली हमारी प्लेट भी यहाँ पे लगाई जा रही है। तो साथ में यहाँ पे छोले आ चुके हैं, प्याज डाल दिया गया है, और ये आगे थोड़ा सा टमाटर, और साथ में आगे गाजर और मिर्च का अचार। तो फाइनली देख सकते हो मुंबई की स्पेशल यहाँ पे छोले कुलचे की प्लेट लग चुकी है। तो बात कर लिए इनकी प्राइस की, इसका प्राइस है 60 रुपीज। तो 60 रुपीज में आपको यहाँ पे बढ़िया से छोले कुलचे खाने को मिल जाएंगे। बात कर लिए एड्रेस की, तो इसका एड्रेस है इन्फिनिटी मॉल मल्हाड़ वेस्ट। तो अगर आप भी मुंबई में रहते हो, विजिट कर रहे हो और बढ़िया से छोले कुलचे खाना चाहते हो, तो यहाँ पे आके आप इनको ट्राई कर सकते हो। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे फिनिश करता हूँ, और मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।